हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। आप सभी को पता ही है कि पिछले 3 दिनों से मेरी कोई क्लास नहीं आ पाई है मैथ की। एंड सीरियसली बच्चों, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, मतलब कमजोरी और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गया है और सर में दर्द बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और इतना काम कर पाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और आप लोग परेशान मत होइए, आप सभी का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, टाइम से कंप्लीट होगा। मैं ज़्यादा वर्क करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, मैं सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि सर ने बैच स्टार्ट किया है और वो पूरा नहीं होगा, ये मैं 100%, देखिए जब मैं कोई भी चीज़ ठान लेता हूँ कि ये मुझे करना है तो ईमानदारी से मैं पूरा करता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, गैप जो हुआ वो मेरी तबीयत खराब है, अभी भी खराब है, लेकिन अभी ज्यादा लंबा गैप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो अभी थोड़ा रेगुलर चलेगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि मैंने तीन पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। कृपया करके मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, 100% फंसेंगे। और अगर आपने इसको रिविजन नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो मतलब ये मेरी गलती नहीं होगी, अब ये आपकी तरफ से गलती होगी, इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपको कम से कम बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, एससीएफ 42, 63 और 140 का आपको एससीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सर ये बेसिक क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं आप, अरे बच्चों आप बस देखते जाओ, ठीक है ना, इसका एससीएफ निकालना है आपको। चलिए आपके पास तो एक रास्ता ये है, ऐसे करिए 7 6 42 और क्या हो गया 9 7 63 और 7 2 14, क्या अब आगे ये कटेगा? मैंने क्या बताया था, एससीएफ आपको फाइंड आउट करना है, क्या आगे 6 9 और 20 क्या किसी एक नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपका एससीएफ कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट देखिए, 42 लिखा है, 63 लिखा है और 140 लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये कौन से नंबर से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, इसीलिए कम से कम 20 तक पहाड़ा याद रखिए। तो ये 7 से कट गया, 7 6 42, 7 9 63, 7 2 14, तो इसका मतलब है 7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे 2 है, 2 का ए बी सी मैंने इसमें तीन पार्ट कर दिया है, आपको एससीएफ और एलसीएम दोनों बताना है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम में आप अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो कर भी नहीं पाएंगे, 2.4, 0.36 एंड 7.2। अब आपको इसका एससीएफ बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे दशमलव के बाद एक अंक है और यहां पर दशमलव के बाद दो अंक है और यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो हम इसको क्या बना लेंगे, हम इसको ये बना लेंगे 2 4 0, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पे दो अंक है इसलिए हम सबके सबके आगे क्या लिख देंगे, सबके आगे एक एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद तो दो अंक ये ऑलरेडी है और ये दशमलव के बाद एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। ये क्या हो गया, 2.40 आप इसको लिख सकते हैं, कॉमा 0.36 लिख सकते हैं, कॉमा 7.20 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब आपके पास ये नंबर हो गया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से समझिएगा, ठीक है। मेरी क्लास में कोई भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, वीडियो पूरा देखिएगा आराम आराम से, ठीक है। अब आपके पास नंबर क्या आ गया, अब आपको एससीएफ निकालना है, तो एससीएफ निकालना है किसका निकालना है, 240 36 और 720 का, ठीक है, इसका एससीएफ निकालना है आपको। अब आप इसको एससीएफ निकालने से पहले ऐसे ही देख लीजिए, ये जो तीनों नंबर है कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, कृपया करके आप पहाड़ा पढ़िए और देखिए कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 2 24, 12 3 36, 12 6 72, ठीक है ना। तो इसका अब ये देखिए, अब 20 3 और 60 ये तीनों भी किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो आपका एससीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। और अब ये आपका राइट आंसर अभी भी नहीं है, अगर आपने इसको टिक कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, 12 आ गया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा,
अब आपको ध्यान क्या देना है, ये देखिए, ये जिसमें आपका दशमलव के बाद दो अंक था, तो इसको भी आप आंसर में कैसे लिखेंगे, 0.12, दशमलव के बाद दो अंक आना चाहिए। अब ये आपका राइट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब यहीं पे अगर मैं आपसे एसएफ निकालने को कह दूं तो आप एसएफ कैसे निकालेंगे, चलिए आगे क्वेश्चन में बताता हूं, ठीक है? क्वेश्चन में सी वाला उठा ले रहा हूं, ठीक है? बी वाला जो है, बी वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना? बी वाला मैं क्या दे रहा हूं आपको होमवर्क में, मैं सी वाला समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए, सी वाला क्या है, 4.8, 5.4, 0.66, क्या है 4.8 और क्या है 5.4 और 0.06, ये है। आपको क्या बताना है, एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। अब इसमें आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है? मैं इसमें आपको पूरा करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना? अब देखिए, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, 48/10 लिख सकते हैं, इसको 54/10 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? अब अगर आपसे बोला गया, ये अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास फ्रैक्शन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है? और फ्रैक्शन का तो एसीएफ निकालना मैंने बताया था, फ्रैक्शन का अगर एसीएफ निकालना है तो क्या होता है, भिन्न का अगर आपको एसीएफ निकालना है तो क्या होता है, एसीएफ बटा एलसीएम, ठीक है? तो एसीएफ हम ऊपर वाले का निकालेंगे, 48.54.6 का एस सी एफ। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम बता रहे हैं आपको, और नीचे क्या हो गया, 10.10.100 का एल सी एम, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते थे। अब आप देखिए, यहाँ पे एस सी एफ निकालना है आपको, तो 48, 54 और 6 कौन से पहाड़े से, ये तीनों के तीनों जो आपके हैं डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें देखिए, हमें तो लग रहा है 6 से हो जाएगा, 6 कम 6 9 और 8 6 48, है ना, हो गया ना? तो अब आपका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, और एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 10.10.100। तो अब अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए आपका एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना? एलसीएम कितना आएगा इसका, 100 आएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? चलिए, आ गया ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? कहाँ चला गया, ये रहा। अब आपसे कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42, 70, 98 तथा 126 का एचसीएफ निकाल के आपको बताना है, ठीक है? तो अब देखिए, आपके पास नंबर क्या हो गए, बड़े हो गए, नंबर बड़ा हो गया है, तो टेबल पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो गया ना। तो अब आप देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 98, 126। अब देखिए, ये आपका सिंपली किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 2 4, 2 1 2, ये 35 हो गया, 2 4 8, 1 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये किससे कट रहा है आपका, तो ये देखिए आपका 7 से कट रहा है, 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49 और 9 7 63। अब क्या 3 5 7 9 किसी से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, 14। एचसीएफ कितना आ गया, 14। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने बताया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का एचसीएफ बताना है, ठीक है? तो यहां पर आप देख रहे हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, अच्छा 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 की पावर 9 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 15 हो गया। अब आप इसको सिंपली देख लीजिए, क्या कोई भी नंबर ऐसा है क्या जो चारों को डिवाइड करता हो, चारों को डिवाइड करता हो, केवल 1 है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है? एचसीएफ 1 हो गया। बात समझ में आ गई? ये मैं आपको जो करा रहा हूं इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आप स्ट्रांग बन रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब अगर आपको इसका एचसीएफ पूछा जाए 3 5 7 का, मतलब इसका एचसीएफ आपको बताना है, तो आपको पता है एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, ठीक है ना? यही तो होता है। तो आपको 3 5 और 7 का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना है, और 16 12 18 का एलसीएम,
तो अब आप यहां पर देख रहे हैं 3, 5 और 7, इसका एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके, तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 1 हो गया। लेकिन अब आपको एलसीएम निकालना है, देखिए 16, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक बात बता देता हूं मैं, यहां पर एलसीएम निकालने का भी एक ट्रिक है। देखिए यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है, इसका टेबल पढ़िए 18 का, और ऐसा टेबल पढ़िए यहां पर वो नंबर आ जाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं 15 और 30 है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन है, 30 है, तो 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि यहां पर वो नंबर आ जाए जो 15 से भी डिवाइड होता हो और 30 से भी। तो 15, देखिए 30 है तो 30 का तो 30 ही आ जाएगा, जो 30 से भी डिवाइड हो रहा है, और 15 दुनी 30, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ले लेता हूं एक और एग्जांपल, एक 10 10 हो गया, एक 15 हो गया और एक 20 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका एलसीएम निकालिए, तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 60 है, सॉरी 20 है, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, 15 चौको 60 और 10 छक्के 60, इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और ऐसा नंबर आना चाहिए जो बाकी सब नंबरों से डिवाइड हो जाए, उसी को हम एलसीएम कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए 16 16 12 और 18, तो 144 ऐसा नंबर है जो 16 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी और 18 से भी, तो 144 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/144, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको बताना है यहाँ पे इसका एचसीएफ। अब देखिए बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब आपको एचसीएफ बताना है यहाँ पे, किसका बताना है, ए स्क्वायर बी की पावर 4 एंड सी की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बी की पावर 3, सी की पावर 8 और ए की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए की पावर 8, बी की पावर 6 और सी की पावर 2। तो आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको एचसीएफ बताना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, एचसीएफ यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या हो गया, मिनिमम, मिनिमम पावर, ठीक है, मिनिमम पावर या मिनिमम घात, ठीक है, वाले गुणनखंडों, गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनखंडों का गुणनफल, बात समझ में आ गई। तो अब मिनिमम पावर देखिए यहां पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका ए की पावर, मिनिमम क्या है, यहां पे क्या है 2 है, यहां पे 4 है और यहां पे क्या है, यहां 8 है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब बी के लिए हम देखेंगे, तो बी की पावर 4 है, बी की पावर 3 है और बी की पावर 6 है, तो यहां पे बी की पावर 3 आपका आ गया, ठीक है। अगला हम क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे सी की पावर 6 है, सी की पावर 8 है और सी की पावर 2 है, तो अगला हमारा सी की पावर 2 आ जाएगा। तो ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2, ये आपका एचसीएफ हो गया, और दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3, 5, 7, यही तो अभी कराया था ना, 3, 5, 7, 16, 12, 18, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे यहाँ पे जीसीडी बोल दिया है, तो चाहे जीसीडी बोल दे चाहे एससीएफ बोल दे, बात एक ही, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी करा दिया था, ये रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसका एससीएफ निकालने के लिए, ठीक है। 6x² y x - y और x² + 2xy + y². बच्चों ध्यान से समझिएगा, लेखपाल के पेपर में ना ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, जो पढ़ा है, जो पढ़ रहा है मेरे से वही कर भी पाएगा, ठीक है ना। अच्छे से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। x - y का होल स्क्वायर और क्या है, 12x x - y का होल क्यूब। अब आपको इसी का एचसीएफ बताना है, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पे किसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप देखिए 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 * 3 लिख सकते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18,
ठीक है, उसके बाद 12 है तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ओके, यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई, एक्स माइनस वाई। अब ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है? भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, 12, तो 2 टू जा 4 इंटू 3 और इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब आप यहां से एस सी एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमें एस सी एफ निकालना है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात। तो देखिए दो दो यहां पे जो आपका है, ये आपका क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, और ये क्या है, 2 की पावर 2 है। तो हमारा न्यूनतम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे 3 है और यहां पे 3 की पावर 2 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे 3 आ जाएगा। उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स और यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या आएगा, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है और यहां पे क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। ठीक है ना, यही तो है। अच्छा यहां पे एक्स भी है, और ये देखिए यहां पे 12x है, ठीक है 12x है, ठीक है, तो यहां पे 12x, तो यहां पे भी x होगा आपका, है ना। तो अब यही हो गया आपका, इंटू एक्स आ जाएगा। अब आगे देखिए y है यहां पे, यहां पे y है लेकिन यहां पे y नहीं है, तो y नहीं आएगा। अब देखिए यहां पे आपका एक्स माइनस वाई है, यहां पे भी एक्स माइनस वाई है और यहां पे भी एक्स माइनस वाई है, तो आपका एक्स माइनस वाई आ जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आगे एक्स प्लस वाई यहां पर है लेकिन और कहीं है नहीं, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2×6 x ((x-y)। ठीक है, एस सी एफ का मतलब याद रखिए, न्यूनतम घात। एस सी एफ मतलब न्यूनतम घात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा पी 5x² - 3px - 15q का मान का एस सी एफ एक्स माइनस थ्री हो, तो पी तथा क्यू का मान बताइए। अच्छा आपको एक बात बताना चाहते हैं यहां पर हम, देखिए लेखपाल की बात छोड़ दीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी जो है ना, वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी ऐसा नहीं देता है जो कि आपका रेलवे में, जो कि आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सारे एग्जाम में जिस तरह की रीजनिंग आती है उतना आसान यूपी ट्रिपल एससी नहीं देता है। तो आपके मैथ के क्वेश्चन में भी ना थोड़े बहुत तो ट्रिकी क्वेश्चन वो देगा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू बराबर क्यू। ठीक है, आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक है 5x² - 3px - 15q। ठीक है ना, चलिए अब आपसे एस सी एफ कितना दे रखा है, एक्स माइनस थ्री। तो अगर हम इसको एक्स माइनस थ्री को इक्वल टू के बराबर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा बराबर, और माइनस का थ्री उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर थ्री हो गया। तो x बराबर थ्री को हम यहां पे पुट कर दें इक्वेशन 1 मान लीजिए, और x बराबर थ्री को यहां पे पुट कर दें इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस 3p हो जाएगा, माइनस q हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3p - q बराबर, और 9 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम यहां पे चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, -3p × 3 - 15q। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान दें यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा 45 हो गया, माइनस का 9p हो गया और माइनस का 15q। ठीक है, एक सेकंड बच्चों क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस का 15q। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करें, ठीक है, माइनस का 9p और इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 45, 45 बराबर क्या हो जाएगा, 9p + 15q। ये बात समझ में आ गई,
9 पी प्लस 15 क्यू बराबर 45 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारा 3p माइनस क्यू है और यहाँ पे 9p प्लस 15q है। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3 3 9p माइनस 3q और माइनस का 9 3 27 बराबर माइनस का 27। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 9p प्लस का 15q बराबर 45, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को घटा दें तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, तो ये और ये कट गया और 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 क्यू माइनस का और माइनस का 45 और माइनस का 27 अगर हम जोड़ दें तो 7 5 12 2 हासिल लगा 1 4 2 6 और 1 7, ठीक है। माइनस का यहां से माइनस और माइनस भी कट गया तो क्यू बराबर क्या आ गया, 72/18। क्यू बराबर क्या आ गया, 72/18 और 18 चौक 72, तो Q बराबर आपका कितना वैल्यू आ गया, 4 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 3P माइनस Q बराबर 9, तो यहां पे अगर हम Q की वैल्यू को 4 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3Q माइनस 4 बराबर 9 माइनस का 9, ठीक है। एक सेकेंड, माइनस का 9, ठीक है। तो यहां से 3Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो 3Q बराबर क्या हो गया, माइनस का 5 और क्यू बराबर आपका क्या हो गया, माइनस का 5/3। यहां तक बात समझ में आ गई, क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस का 5/3। तो आपसे क्या पूछ रहा था, सॉरी क्यू नहीं, हमें पी की वैल्यू निकालनी थी। यहां पे तो क्यू मैंने निकाली दिया, यहाँ पे पी, ये सॉरी पी है ना, ये पी है यार, थोड़ा सा ध्यान देना, ये पी है, 3Q नहीं है, ये पी है, ठीक है। तो ये पी है और ये भी पी है आपका और ये भी पी है, ठीक है। तो ये आपकी पी की वैल्यू आ गई, तो पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर -5/3 और क्यू बराबर आपका 4 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था, पी और क्यू की वैल्यू बतानी थी आपको, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या है। तो देखिए 100, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, 122 में से 2 घटा दीजिए 120, 243 में से 3 घटा दीजिए तो 240। आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, किसका, 120 और 240 का, ठीक है। बस यही आपको एचसीएफ निकाल देना है। और आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे आपका देखिए 0 से 0 कट गया और अब आपका यहां पे मतलब 12 ही, अब देखिए 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 120 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने 0 आपको छोटा नंबर करने के लिए समझाया, काट के समझाया, ठीक है। तो 12 से 120 से 120 से ये भी कट गया और 120 से ये भी कट गया, ठीक है ना। तो 120 ही आपका एचसीएफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अभी आप अगर ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि 12 से कटने पे, तो देखिए 12 अगर मैंने काटा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। तो आपका एचसीएफ इस तरीके से क्या आया, आप कहोगे कि सर 10 आ गया, 10 नहीं आया मेरे बच्चों, चलो ये भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो 120 है, मान लेते हैं आप अगर ऐसे कर देते, कुछ बच्चे होंगे ऐसे भी कर देंगे कि सर आपने कहा था 12 से कटा, तो 12 से कटा 12 दहम 12 दूनी, ठीक है। तो एक बार 12 से कटा, अब किससे कटेगा, 10 से कटा, 10 एकम 10 10 दूनी 20, तो 12 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, 120 से तो आएगा, तो एचसीएफ कितना हो गया, 120, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ज्ञात करो जिसका 1050 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43 31 और 7 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है 150 में से 43 घटा दीजिए और 1250 में से 31 घटा दीजिए और 1650 में से 7 घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जब घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1007 बचेगा और 1250 में से 31 घटा देंगे तो 1219 बचेगा और यहाँ पे अगर 7 घटा देंगे तो 1643 बचेगा, ठीक है।
चलिए इसका एसएफ मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक बड़ा नंबर मिला है, अगर मैं इसका एसएफ आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे गुरुजी ने धोखा दे दिया, ठीक है ना। तो देखिए 1007 है, भाग विधि से इसको करते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। 1007 एक बार में जाएगा, ठीक है। 9 में से 7 गया 2, और 1 का 1 रहेगा और 2 का 2 रहेगा, ठीक है। और अब आप 1007 को फिर भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 से भी 5 से ज्यादा हो जाएगा ना, 212 को 5 से अगर हम करें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10, ठीक है, ज्यादा हो गया, 4 बार में जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब 17 में से 8 गया 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब 212 को फिर से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, तो ये हो गया 9, 5 और 1, ठीक है। तो 12 में से 9 गया, तो 9, 12 में से 9 गया 3, और 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। अब 159 को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 159 से, तो 5 3, 3 बार में जाएगा, 3 तरीका 9, 5 तीन 15, ठीक है। तो 3 बार में गया 159, तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो अब आपका देखिए कितना आ गया, 53 आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास एक संख्या बची 1643, 1643 को भी हम क्या करेंगे, 53 से भाग करेंगे, सॉरी 53 53 से भाग करेंगे। तो देखिए एक बात बता दूं, ये जो 53 आपका लास्ट में आया है ना, 53 जो आपका लास्ट में आया है, ये जब यहाँ पे आ गया ना तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहिए तो करके दिखाते हैं, और क्या, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 बार में गया था तो 159 आया था, ठीक है। अब 14 में से 9 गया, 9 5 14, ठीक है, और ये कट गया, और ये देखिए 3, और ये फिर कट गया तो 53, ठीक है ना। तो आपका देखिए एसएफ कितना आ गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। ऐसे बड़ा सा नंबर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, देखिए कितनी आसानी से मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है ना। तो एसएफ आपका कितना आ गया, 53 आ गया, ठीक है। तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में भी ना पड़िए, ठीक है ना। बड़े अब यहाँ पे, अब देखिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीख के आए होते तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगा पाएंगे भाई, इतना दिमाग नहीं काम करेगा कि 53 कैसे कौन से पहाड़े में आएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए बेसिक जो मैं सिखा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 12वां नंबर। मान लीजिए एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब एन जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब क्या है, एचसीएफ जो हमारा है वो एन है, जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। समान शेषफल आता है मतलब इक्वल आता है, ठीक है। तो एन के अंकों का योग बताइए, एन के अंकों का योग बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये सिंपल सा है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास नंबर है 1305, 4665 और क्या है, 6905, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए या तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं भाई, इसको इससे भाग कर दो, फिर जो आएगा उसको इससे भाग कर देना, आपका एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन जब ऐसे बड़े नंबर हो तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चलिए बताते हैं। देखिए आप कर सकते हो कि अब 4665, 4665 में से 1305 को घटाइए, कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 6 और 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 3360 आया। फिर आप 6905 में से 4665 को घटाइए, अब आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा आपका 9, 8, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे क्या बचा, 5 में से 4 गया 1, 1240, 2440 आएगा भाई, 2 बचा, ठीक है। आगे अब आप क्या करोगे, 6, 9, 0, 5 में से 1305 को घटाइए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 0 और 9 में से 3 गया 6 और 5, 6 में से 1 गया 5, 5600 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब आपको एचसीएफ निकालना है 3360 का, 2240 का और 5600 का। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1120 आएगा, कितना आएगा, 1120। अब कैसे निकालना है, कैसे निकालना है भाई, तो वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है ना, वैसे ही निकालना है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा था, जो एन बराबर आपका आया 1120,
तो आपसे कह रहा था अंकों का योग बताना है आपको, अंकों का योग। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 2 + 0, मतलब 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा, सॉरी कक्षा मैंने संख्या बोल दिया, यदि किसी किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जाता है, मतलब कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको या तो 6 में, या तो 8 के, या तो 10 के समूह में रखा जाता है, ठीक है ना। तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम, तो अब एलसीएम आप तो निकाल ही लोगे, 6, 8, 10, तो यहाँ पे 6, 8, 10, ठीक है। अगर हम टेबल पढ़ें, 10 का टेबल पढ़ें, तो ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो कि आपका 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए। तो देखिए भाई, 100 तक 10 दहम 100 होता है। अब 100 आपका ना 6 से होगा ना 8 से होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब आपका नंबर क्या होगा, कुछ अलग ही आएगा। देखिए 12, 120 आएगा, ठीक है। ये 10 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया, 120, और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। अब आपको देखिए, न्यूनतम संख्या आपको बोल रहा है, तो न्यूनतम संख्या मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। देखिए 10, 15 और 20, ठीक है, यही है ना। अब चलिए आगे हम देखते हैं, 2 5 10 और 15, 2 दहम 20, ठीक है, 5 15 और 2 5 10, ठीक है, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 3 1। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है, क्वेश्चन समझिएगा, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 और 2, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। 4 क्या है आपका, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका आया 2 और 2, ये तो आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है, 2 × 2, लेकिन 5 जो है पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब उसके साथ एक 5 का मल्टीप्लाई और हो, और ये 3 है, 3 के साथ 1 3 का और मल्टीप्लाई हो, तो अब ये भी पूर्ण वर्ग बन गया, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया, और ये तो पहले से ही था। अब अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आप देख लो कितना हो जाएगा, 50 25 25 4 100 और × 9, तो कितना हो गया, न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 900 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 900, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की बात भी हो रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पे 8x³ 8 8x³ - x और 4x³ - 1 का एलसीएम आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 8x³ - x और 4x³ - 1, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा आप बताएंगे क्या। अरे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू, और इसमें से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x² - 1 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और यहां से भी x कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो गया x³ - 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया a a³ - b³, ठीक है ना। अब देखिए ये 1 का भी तो मैं क्यूब लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आगे अगर मैं सॉल्व करूं इसको, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा 8 × x × 2, ठीक है, और ये हो गया a² - b², तो a² - b² क्या होता है, a माइनस मतलब x - 1 और x+1, a² - b² क्या होता है आपका, a - b और a+b, ठीक है। इसी प्रकार आपका aq - bq क्या होता है आपका, तो ये देखिए, अब ये सब फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, है ना।
आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्स क्यू और एक्स क्यू माइनस वन को अगर करूं एक्स क्यू माइनस वन क्यू तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका टू टू जा फोर, सॉरी टू की पावर टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपके पास एक नंबर कौन सा है, एक आपके पास ये है एट इंटू एक्स, एट इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और यहां पे क्या है, यहां पे एट ना लिखिए, यहां पे टू की पावर थ्री लिखिए, ठीक है ना। एट को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री, वही तो मैंने किया हुआ है, यहां पे एट नहीं लिखा जाएगा, रफ हो जा भैया, तो टू की पावर थ्री, ठीक है। अब देखिए अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, जो ज्यादा नंबर वाला है, तो यहां पे टू की पावर थ्री और यहां पे टू की पावर टू है, तो टू की पावर थ्री आपका आ गया। फिर आपका एक्स है, एक्स एक्स है तो जो बचा वो भी आ जाएगा, और फिर आपका एक्स माइनस वन है और एक्स माइनस वन यहां पे भी है तो एक्स माइनस वन भी आ जाएगा, और जो आपका बचा एक्स प्लस वन बचा तो एक्स प्लस वन भी आ जाएगा, और ये भी बचा तो ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको हम सकते हैं टू की पावर थ्री इंटू एक्स, और ये जो हमारा है ये और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। टू की पावर थ्री इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए समझ में ना आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। चार छः आठ और नौ, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। चार छः आठ और नौ से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष और 13 से भाग देने पर सात शेष आता हो, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए चार छः आठ और नौ इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था चार छः आठ और नौ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, नौ है। तो ऐसा टेबल पढ़िए कि भाई जो नंबर यहाँ पे आए वो बाकी सबसे भी कट जाए, तो नौ अठे 72, देखिए आठ से भी कट जाएगा, छह से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, है ना, चार से कट जाएगा ना, हाँ चार से भी। तो एलसीएम कितना आ गया 72। तो 72 एक ऐसा नंबर है, छोटी से छोटी संख्या है, जो चार से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, शून्य शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा, छह से भी शेषफल शून्य, आठ से शेषफल शून्य, नौ से शेषफल शून्य। अब अगर मैं 72 को 13 से डिवाइड करूं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, सात, तो 13 चौक 52, ठीक है, 13 तिया 39, 13 चौक 52, तो 13 चौक 52 और 13 पच्चे 65, अभी ये 5 बार में जाएगा, ठीक है, तो 13 पच्चे 65, अरे ये हैंग हो गया यार, 5 और ये 6, ठीक है, तो 12 बजे 5 गया 7, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 7 आ गया, तो 13 से डिवाइड करने पे शेषफल 7 आ गया आपका, ठीक है, 13 से डिवाइड करने पे शेषफल 7 जो कि आपसे कह रहा था, और 4 6 8 9 से डिवाइड करने पे शेषफल 0, तो आपका नंबर क्या हो गया, एलसीएम 72 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास दो संख्याओं का, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, यदि एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या कितनी है 864 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है एलसीएम कितना है 1296 है, एचसीएफ कितना है 96 है, तो सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है, तो सेकंड नंबर बराबर 1296 गुणे 96 बटे 864, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
सेकंड नंबर, अब भाग करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 144 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से, ठीक है ना, दो संख्याओं का जो एलसीएम है, जो एलसीएम है उसके एचसीएफ से 45 गुना है। ठीक है, अब पहले इस लाइन का मतलब हम निकाल दें तब तो आगे बढ़े, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का एलसीएम, ये हो गया दो संख्याओं का एलसीएम, उसके एचसीएफ से 45 गुना है, मतलब एलसीएम जो है वो 45 गुना है। तो अगर एचसीएफ को मैं एक्स मान लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये अगर मैं एक्स मान लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 एक्स हो जाएगा। आगे क्या कहता है, यदि एक संख्या 125 हो और एलसीएम एक संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 125 और एलसीएम वो एचसीएफ का योग दे रखा है 1150, मतलब 45x+x बराबर दे रखा है 1150। यहां से हम डिवाइड कर देंगे, 46x बराबर 1150, तो x बराबर कितना हो गया, 1150/46। ठीक है, आगे अगर हम इसको ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट के पीट के देख लो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो पांचे दस, बचा एक, दो सती 14, बचा एक, दो पांचे 10। ठीक है, अब इसको हम 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पहाड़ा तो नहीं आता, तो यहां से 23 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 23 दूनी 3, दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 और ये 5, ठीक है ना। 23 दूना 56, 575। ठीक है, तो भाई कितना आना चाहिए आपका, 23, 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2, 6 और 2 दूनी 4, यार यहां पे भी गलती हो रही है। अब यहां 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना, ये हो गया 115। अब यहाँ पे और कितनी बार में जाएगा, 5 से देख लेते हैं, 5 3 15, 5 और 5 2 10 और 1 11, तो आपका कितना आ गया, 25 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 45 गुणे 25। ठीक है, तो चलिए एक संख्या अब आपको 125 दे रखी है, एक संख्या 125 दे रखी है, अब आपको सब कुछ मिल गया है, अब आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अभी ट्रिक वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने ट्रिक लिखा हुआ है, एचसीएफ बराबर योगफल बटा, अरे बहुत ऊपर चला गया क्या, तो आपको एचसीएफ पता चल गया 25, एलसीएम पता चल गया 25 गुणे 45, और एक संख्या आपको पता है, पहली संख्या आपको पता है 125, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या। ठीक है, अब 25 एकम 25, 25 25 और 55 25, और ये हो गया सेकंड नंबर, अब 45 25 55 25 का 5, तो 5 20, 225 नंबर। ठीक है, 225। अब देखिए आपको ट्रिक क्या दिया था मैंने, एचसीएफ बराबर क्या लिखा हुआ था, योगफल बटा n+1। ठीक है ना, ये देखिए योगफल बटा n+1। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप इसको कैसे करोगे, योगफल कितना था, 1150 था, और n n की वैल्यू कितनी होगी, जो गुना दिया हुआ था, कितना गुना हो जाता है, 45, तो 45+1 कर दीजिए, 1150 को 46 से भाग करेंगे तो 25 आ गया, तो एचसीएफ आपका 25 आ गया। और एलसीएम कितना था, एलसीएम क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना एचसीएफ है उसका 45 गुना है, तो यहां से भी देखिए आपका डायरेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तब कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती, कौन सी संख्या, यहाँ पे सी लगाना मैं भूल गया। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 24 48 56 60। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, 8 है, कितना है, 8 है, तो इसमें से जो ये आपके पास चार ऑप्शन है तो बता रहा है उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखिए एचसीएफ अगर 8 है, इसका मतलब है एलसीएम वही वही संख्या, इसका एलसीएम नहीं होगा जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ये देखिए 8 3 24, 8 6 48 और 8 7 56, और ये जो 60 है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, आज मैंने ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं
3 दिन से क्लास नहीं ली और आज तबीयत थोड़ी ठीक थी, तो मैंने कहा कि भाई अभी इसका एक लेक्चर और आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। क्या आएगा? पार्ट 5 भी आएगा, ठीक है। पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बाकी किताब से प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 270 तथा 405 का 270 तथा 405 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। अच्छा, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन 270 तथा 405, ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो देखिए, इसका पहले मैं क्या निकाल लूं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 270 और 405 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? अरे बाप रे, तो कठिन काम हो गया। 270 और 405, ठीक है, तो चलिए इसे करके देख लेते हैं, हमें नहीं पता। 3 9 27 0, 3 3 9 0, 3 10 30, और ये 10 1 10, तो 270 का कितना हो गया? 3 × 3 × 3 × 10, ठीक है। अब 405 का है, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 405 का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2 × 4 0, सॉरी सॉरी, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 8 40 और 5 1 5, 9 9 81 और 9 1 9, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ आप इसको लिख सकते हैं, 405 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 × 10, ठीक है। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 × 5, ठीक है। तो 3 की पावर 4 जो ज्यादा होता है वही आपका आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ गया, घुड़े 5 ऊपर है तो ऊपर भी आ गया, और 2 बचा तो 2 भी आ गया, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 81 हो गया, घुड़े 5 × 2, ठीक है। तो 810 एलसीएम कितना आ गया, 810, ठीक है ना। डरना नहीं चाहिए यार, देखो आराम से निकल गया, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालना है आपको, 270 और 405 का एलसीएम निकाल, सॉरी एचसीएफ निकालना है अब आपको। तो यार एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करें, चलो भाग करके देख लेते हैं, और क्या, 405, ठीक है। तो भाग करके देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में। तो 270 हो गया, ये आ गया 5, और 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 270, तो अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 2 10 का 0 80 लगाया, 1 3 2 6 और 1 7, 2 1 2, ठीक है। तो ऐसे देखिए कितना आ गया, 135, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था एक बार देख लेते हैं बाबू। देखिए मैं मजे मजे में पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा जोश नहीं है, एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा था, एलसीएम एलसीएम बटा एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा था। तो 810 ऊपर आया था और 135, ठीक है, काट लेते हैं। तो ये कट गया आपका, तो कितना कट गया देखते हैं, 5 से काट लें क्या, 5 5 2 10, 5 7 35, और 5 1 5, 5 6 30, और 5 2 10, अभी और कटेगा। 9 से काट लेते हैं, 9 3 ये देखो 27 से कट जाएगा क्या, 27, और 7 2 27, 4 4 7 4 28, 7 6 42, हाँ देखो 6 से काट के देखो, 7 6 42 का 2 80 लगा, 4 6 2 12 और 4 16, तो 7 1 27 1 27, और ये 6 बार में। तो कितना हो गया रेशियो, कितना हो गया, 6:1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन मैंने यहाँ दे रखा था, आ जाओ। अरे आओ यार नीचे बच्चों, कमेंट भी किया करो यार, ठीक है, और लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक भी करना चाहिए। देखिए ये आपका आ गया, ठीक है ना। मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ यार, काम की बातें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और जितना जरूरी है वो सारी चीजें, ठीक है ना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, एक मैं आपका पार्ट 5 ले आऊंगा। देखिए मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ इतना लंबा क्यों पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बाकी सारे चैप्टर आपके छोटे छोटे हैं, क्या है, छोटे छोटे हैं,
लेकिन एलसीएम और एससीएफ आपका थोड़ा सा जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो मैं नहीं चाहता कुछ छोड़ूं, मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी टाइम है तो पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है ना? और बाकी आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं कि बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड अगली क्लास भी आपको अगले दिन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।